Now we started this lecture on the topic processing unit. So what are the topics we are covering here in processing unit? Basically, we are covering the topics, the instruction cycles, and that's something that is the structure of the single bus processor. So now we are discussing processing unit. Processing unit mein kya hota hai? CPU execute instructions in sequence. तो मीन से कि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में आपके एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसिंग यूनिट में, और जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ही इंस्ट्रक्शंस को कई सेपरेट स्टेप्स में ये एग्जीक्यूट करता है, और आपके पास जो एक स्टेप है उस स्टेप में डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं. अब यहाँ हमने कहा कि प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट में थ्री पार्ट हमने कहा. फर्स्ट पार्ट है कि जो सीपीयू है आपके पास वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो एक इंस्ट्रक्शन है आपके पास, ठीक है. अब ये इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में जाते हैं, इंस्ट्रक्शन वन, इंस्ट्रक्शन टू, देन इंस्ट्रक्शन थ्री. सपोज वन टू थ्री डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हैं, तो इस टाइप से ये हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा सिक्वेंसली, जिसको जैसे आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. पहला टास्क ये हो गया. सेकेंड अगर हम बात करें तो एक जो इंस्ट्रक्शन होता है, एक ही इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं. ये एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड सो ऑन. तो हर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि कितने स्टेप में वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारा. अब बात करें हम एक पर्टिकुलर स्टेप्स की, एक पर्टिकुलर स्टेप जो है इसको एग्जीक्यूट होने में हमें डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस की नीड होती है. एक स्टेप्स में कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस होंगे, ये माइक्रो ऑपरेशंस क्या है अभी आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या है, कैसे इसको एग्जीक्यूट हम करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट. इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है बेसिकली. तो पहले इंस्ट्रक्शंस को फेच किया जाता है, ठीक है. उसमें जो ऑपरेशंस हैं उसको स्पेसिफाइड किया जाता है कि ऑपरेशंस हैं क्या. अब ऑपरेशंस को स्पेसिफाइड कौन करेगा आपके पास, माइक्रोप्रोसेसर. बेसिकली जो माइक्रोप्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम, एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इस टाइप से क्या करता है, उनको फेच करता है फ्रॉम द सक्सेसिव मेमोरी. जो भी आपके पास सक्सेसिव मेमोरी होगी उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच होकर किसके पास जाते हैं, प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन पहुंचता है. प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन में देखेगा इसको कहाँ से फेच करना है, क्या इसमें कोई ब्रांच स्टेटमेंट है, कोई जंप स्टेटमेंट है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो फेच करके लेके आता है. एक हम पहले भी कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम काउंटर का, पीसी. प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है. जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगता है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है मीन्स उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है, ठीक है. तो प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शंस को अपडेट करता रहता है अपने आप को कि कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा. तो ये वर्क आपके पास स्टैक से इंस्ट्रक्शंस के लिए प्रोग्राम काउंटर करता रहता है. बेसिक इंस्ट्रक्शन की जो साइकिल है वो साइकिल ये है कि इंस्ट्रक्शन फेच होता है और एग्जीक्यूट होता है, टू साइकिल्स में इसको डिवाइड किया गया है. तो जो फर्स्ट साइकिल है आपके पास इंस्ट्रक्शन की, इंस्ट्रक्शन फेच होगा. तो फेच इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कहाँ से होता है, मेमोरी से फेच हुआ, उसका डिकोड होगा. डिकोड का मतलब है कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन है क्या. तो जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, डिकोड होने के बाद में उसमें कौन से ऑपरेशन हुए, किस टाइप के ऑपरेशन हैं, जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड हैं उस ऑपरेशन के लिए जाएगा. अगर ऑपरेशन रिक्वायर्ड हैं तो वो ऑपरेंड्स भी फैच होंगे. ऑपरेशंस के लिए अगर कुछ ऑपरेंड्स आपके पास रिक्वायर्ड है तो ऑपरेंड्स भी फैच होंगे. तो ये भी फैच साइकिल का एक हिस्सा बन जाएगा. इफ द ऑपरेंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड देन ये कहाँ पहुंचेगा, एग्जीक्यूशन साइकिल पर पहुंचेगा और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो एक इंस्ट्रक्शन बेसिकली टू साइकिल्स होती है, फैच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल. फैच का मीन्स है मेमोरी से फैच होकर प्रोसेसर के पास में आ गया, देन प्रोसेसर में उसने डिकोड कर लिया. डिकोड करने पर पता लगेगा कि इस पर कौन से ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं. अगर उन ऑपरेशंस रिक्वायर्ड करने के लिए कुछ ऑपरेंड्स की नीड है तो वो ऑपरेंड्स भी फैच होंगे, फैच साइकिल का ही एक हिस्सा बन जाएंगे. आफ्टर दैट दे विल एग्जीक्यूट.
इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। बस सिंगल पास ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेसर आ जाते हैं। इसको प्रोसेसर ऑटोमेशन में भी हमने फर्स्ट यूनिट में भी इसका इंट्रोडक्शन किया था। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सारी चीजें हैं क्या यहाँ। तो आपके पास सिंगल बस का मतलब ये जो ये बस है ये प्रोसेसर की इंटरनल बस है। प्रोसेसर के अंदर अभी सिंगल बस है, ये मल्टीपल भी बस हो सकती है प्रोसेसर में। तो अभी सिंगल बस प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं कि सिंगल बस प्रोसेसर है। यह पीसी प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस होता है। जो करंट में एग्जीक्यूट होता है वो नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस नहीं, जो इसके बाद एग्जीक्यूट होने वाला है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस होता है। ये MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वन डायरेक्शन में, देखिए प्रोग्राम काउंटर बोथ डायरेक्शन में है। इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर से डेटा आपके पास अपलोड होगा इंटरनल प्रोसेसर बस पर, और प्रोसेसर बस से भी डेटा आपके पास अपलोड हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। बट MAR क्या है? MAR आपके पास मेमोरी एड्रेस बस क्या होगा, आपके पास प्रोसेसर केवल डेटा आपके पास सेंड करेगा MAR में, और MAR से डेटा एड्रेस लाइंस के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, मेमोरी बस के पास। अब इसलिए मेमोरी ऑपरेशंस के लिए मेमोरी के पास पहुंचेगा। जब तक कि मेमोरी का जो ऑपरेशंस है मेमोरी से वो परफॉर्म होकर कंप्लीट नहीं हो जाता मेमोरी से ऑपरेशन, तब तक क्या होगा हमें वेट करना पड़ता है कि क्या ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन परफॉर्म होकर कंप्लीट हो जाए। तो मेमोरी फंक्शंस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से डेटा जो है वो मेमोरी से डेटा लाइंस के थ्रू डेटा आ जाता है MDR में, मेमोरी डेटा रजिस्टर है। इस मेमोरी से डेटा इस रजिस्टर के अंदर आएगा, दैट इज कॉल्ड मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये भी बोथ डायरेक्शन में है, मीन्स प्रोसेसर को ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है और प्रोसेसर से डेटा भी यहाँ इस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। ये रजिस्टर हो गया आपके पास। इसके बाद जो इंटरनल बस है इस बस पे आप देखें ये राइट साइड में है IR है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ से मेमोरी से आया इंटरनल बसेस से, उसके बाद वो पहुंच जाएगा IR में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब वो इंस्ट्रक्शन पहुंच जाएगा तो इसके बाद वो डिकोड होने पहुंचेगा यहाँ इंस्ट्रक्शन डिकोड कंट्रोल लॉजिक के पास में। तो यहाँ से डिकोड होकर पता चल जाएगा कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शन क्या है। सपोज आपके पास इंस्ट्रक्शन है R1 = R2 + R3। तो जो ये इंस्ट्रक्शन है आपके पास ये इंस्ट्रक्शन कहीं मेमोरी में सपोज रखा हुआ है तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर के पास उसका एक एड्रेस होगा, ठीक है। वो एड्रेस आएगा आपके पास कहाँ, पहले यहाँ आ जाएगा एड्रेस इस पर, एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस। सपोज इंस्ट्रक्शन में दोबारा लिख रहा हूँ R1 = R2 + R3। इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कहीं रखा है मेमोरी में, इसका कुछ एड्रेस है अपना, वो इसका अपना एड्रेस है 200। अगर इसको एग्जीक्यूट होना है तो सबसे पहले ये 200 होगा प्रोग्राम काउंटर के पास में। प्रोग्राम काउंटर इसको आउट करेगा, ये पहुंचेगा कहां, यहां, ठीक है, प्रोसेसर बस पर। अब प्रोसेसर बस से ये आएगा आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में MAR में, MAR इसको ट्रांसफर कर देगा एड्रेस लाइंस के थ्रू मेमोरी में। इधर आपके पास मेमोरी है मीन्स रैम है, रैम के पास जब ये मेमोरी के पास आ जाएगा, रैम है रैम के पास पहुंचेगा तो रैम में अपने डिफरेंट लोकेशन पर ये इंस्ट्रक्शन पूरा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। वो रैम के अंदर 200 लोकेशन पर ये इंस्ट्रक्शन है पूरा, यहाँ पर है पूरा R1 = R2 + R3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही आपके पास मेमोरी के पास पहुंचेगा मेमोरी डेटा लाइंस के थ्रू इसको वापस कर देगी और ये आ जाएगा किसके पास MDR में मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ये पूरा इस एड्रेस पे जो भी डेटा है 200 पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा लाइंस के थ्रू MDR में आ जाएगा। MDR इसको ट्रांसफर कर देगा इंटरनल बस पर, इंटरनल बस से चलते हुए ये डेटा इंटरनल बस पर होगा ओवरराइट हो जाएगा, पहले जो डेटा होगा उसको ओवरराइट कर देगा हमेशा, ओवरराइट होकर ये डेटा पहुंच जाएगा IR में। IR में अब डेटा पहुंच गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इस डेटा को ट्रांसफर कर देगा डिकोडिंग के लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड लॉजिकल कंट्रोल लॉजिक के पास। जैसे इसके पास ये डेटा आएगा तो इसको ये पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है। तो क्या करना है हमें,
R2 और R3 रजिस्टर का डेटा हमें ऐड करना और रिजल्टेंट को R1 में ट्रांसफर करना है। ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से यहाँ तक जनरल रजिस्टर है, इसी में कहीं R1 रजिस्टर होगा एक और आपके पास एक R2 रजिस्टर होगा। क्लियर? R1 R2 रजिस्टर जब यहाँ होगा तो अब एक अगर इस पर डेटा दोनों ट्रांसफर करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा डेटा। सबसे पहले R1 सपोज डेटा यहाँ ट्रांसफर करेगा अपना R1, ये R1 का डेटा जैसे ट्रांसफर होगा इस डेटा को इन कर दिया जाएगा Y के अंदर, Y में डेटा इन हो गया। अब ये डेटा R1 का Y के पास सेव हो चुका है तो सिस्टम इंटरनल बस पर कोई दूसरा डेटा R2 का अब ट्रांसफर हो गया तो इसके ऊपर ओवरराइट हो गया R2 का डेटा। ये R2 का जो डेटा है आपके पास ये डायरेक्ट यहाँ से B पोर्ट पर पहुंच गया। मल्टीप्लेक्सर में ये सिलेक्ट लाइन है, एक ही सिलेक्ट लाइन है तो वन लाइन है, वन सिग्नल, या तो सिग्नल जीरो होगा या सिग्नल वन होगा, तो दो सिग्नल होंगे। तो जीरो पर सपोज कांस्टेंट वैल्यू कोई एक सिलेक्ट होगी और वन पर सिलेक्ट हो जाएगा सपोज वाई। तो जैसे इसमें वन किया, सपोज किया मैंने, किसी एक पर एक वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं वाई पर मल्टीप्लेक्सर, जैसे ही सिलेक्शन लाइन को वन कर दिया तो वाई का डेटा सेंड। अब वाई में डेटा क्या है आपके पास, आर वन का डेटा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा ए पोर्ट पर, और डायरेक्ट R2 यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है बी पोर्ट पर, ये R2। उसके बाद में यहाँ आपके पास ALU की कंट्रोल लाइंस हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, हर एक ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर क्या होगा पर्टिकुलर बिट्स होंगे, नंबर ऑफ द बिट्स का ऑपरेशन। सपोज 5 बिट में तो एडिशन के लिए 5 बिट होंगे, सब्ट्रैक्शन के डिफरेंट कोई भी 5 बिट होंगे, उस 5 बिट जैसे भी यहाँ ट्रांसफर होगा ALU पर तो ALU को पता लग जाएगा ऑपरेशन क्या करना है। तो ऑपरेशन क्या करना है, उसको अगर सम करना है तो वो सम कर देगा R1 R2 जो ए पोर्ट और बी पोर्ट पे डेटा है, सम करने के बाद रिजल्टेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा Z पे। अब Z के पास रिजल्टेंट आ गया, Z उसको ट्रांसफर कर देगा आपके पास कहां पर, इंटरनल बस पर। इंटरनल बस से अगेन डेटा, यहाँ आपको सॉरी ये R2 और ये R3 है तो बस उसको उसी से चेंज कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहेंगे। ये R2 है और ये R3 है, मैंने R1 R2 ले लिया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रजिस्टर तो वही है, रजिस्टर का नाम केवल चेंज जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा। तो यहाँ पर फिर ये डेटा जब ट्रांसफर होगा तो ये डेटा इसके बाद में यहाँ कहीं R1 एक रजिस्टर होगा तो उस R1 रजिस्टर में डेटा आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस सिंगल बस आर्किटेक्चर का चलेगा। अब जो ये सिग्नल्स इसके लिए जनरेट होंगे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होगी पूरी की पूरी, आपको जो स्टेप मैंने समझाया उसी स्टेप बाय। तो हर एक स्टेप्स में आपके पास क्या होगा माइक्रो ऑपरेशंस होंगे। माइक्रो ऑपरेशंस कैसे हुए, जैसे मैंने कहा कि R1 से डेटा R1 में इन होगा, R1 में इन हुआ डेटा, तो R1 में इन होने के लिए क्या होगा, R1 एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में आपके पास ऑपरेशंस के लिए इन एंड आउट आपके पास कंट्रोलिंग होगी कि इन करना है डेटा आउट करना है। ये सपोज R1 अगर ये एक रजिस्टर R1 है तो R1 इन यहाँ है इसके पास, इन करना है डेटा तो एक ऑपरेशन लगा माइक्रो ऑपरेशन होगा, और R1 आउट के लिए भी एक डेटा होगा, यहाँ पर एक सिग्नल होगा। तो आउट का मतलब है इससे आउट होना, इन का मतलब है इसमें डेटा इन होना। तो रजिस्टर में डेटा इन करना आउट करना, तो ये कंट्रोल सिग्नल्स उसके लिए R1 इन को इनेबल करना होगा अगर उसमें इन करना है, और अगर रजिस्टर से आउट करना है तो इसको आपको इनेबल करना होगा। तो ये डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस होंगे हर एक स्टेप्स के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि एक आपके स्टेप्स को कैसे कंप्लीट करना है पूरे के पूरे। अब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस में क्या है आपके पास, कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो इसके अंदर आते हैं, हम धीरे धीरे बात करते हैं। टास्क परफॉर्म बाय एनी माइक्रो ऑपरेशंस की जो टास्क होंगी, कौन कौन सी टास्क करेगा, यहाँ कोई इनमें से एक टास्क माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करेगा। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करने की बात हो वो कर लेगा ये। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू एक्सटर्नल इंटरफेस सिस्टम बस पर लेके जाना हो, जैसे अभी किया था हमने, सिस्टम बस से आपके पास रजिस्टर के पास आ सकता है। परफॉर्म एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन यूजिंग रजिस्टर फॉर इनपुट एंड आउटपुट, तो जो भी परफॉर्म करना है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन वो परफॉर्म होंगे। तो ये टास्क हैं जो आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा। सिग्नल्स की बात करें कि आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स किस टाइप के जनरेट होते हैं, कैसे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, तो CPU एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन एज ए सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप्स, इन ईच कंट्रोल स्टेप वन और मोर सेवरल ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड। हम यही बात कर रहे थे कि आपके पास जो CPU है वो नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है, और आपके पास एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर ऑफ द स्टेप्स होंगे,
और एक स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर ऑफ द माइक्रो ऑपरेशंस होंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में, कि माइक्रो ऑपरेशंस कैसे जनरेट होते हैं सीपीयू से, क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स में, वन क्लॉक पल्स ट्रिगर द एक्टिविटीज करस्पॉन्डिंग टू वन कंट्रोल स्टेप की फॉर ईच क्लॉक पल्स द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल करस्पॉन्डिंग टू द माइक्रो ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रोल स्टेप। तो एक कंट्रोल स्टेप्स में जो माइक्रो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके लिए आपके पास क्लॉक पल्स जो ट्रिगर होती है वो क्लॉक पल्स ट्रिगर होगी। जो मैंने अभी बात की थी कि आपके पास एक सिग्नल होगा जो इन एंड आउट के लिए जो सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज दिस थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।